फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको खीर पूरी और पोटैटो पनीर एंड मटर की सब्जी कैसे मैंने बनाई थी वो दिखा रही हूँ। ये मैंने लंच में बनाया था और स्पेशल लंच बोल सकते हैं और वेरी इजी है, ज़्यादा ट्रिकी नहीं है पर खाने में बहुत टेस्टी है। तो यहाँ पर मैं पहले खीर बना रही हूँ। तो खीर के लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया, आपको जो भी पैन लेना है वो लेना है, पर उसमें आपको थोड़ा सा वाटर डाल के उसको अच्छे से कोट कर देना है वाटर से, तो आपका जो दूध है वो नीचे लगेगा नहीं, जलेगा भी नहीं और अच्छे से बॉइल भी होगा। तो थोड़ा सा वाटर डाल दोगे तो आपकी खीर नीचे लगेगी भी नहीं। तो ये रही एक ट्रिक। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से केसर डाले थे और इलायची के टुकड़े डाले, मैंने होल इलायची डाले हैं और केसर डाला है, डायरेक्ट केसर डाला, तो ये अच्छे से घुल जाएंगे और थोड़ा थोड़ा इसका कलर आता रहेगा, फ्लेवर आते रहेंगे केसर के और इलायची के। तो आपको ये फर्स्ट डाल देने हैं तो उसका फ्लेवर अच्छे से घुलता रहेगा और आपको बहुत अच्छे से इसको बॉईल करते रहना है, बॉईल करते रहना है तभी आपकी खीर अच्छे से गाढ़ी होगी। और यहाँ पर मैं ये है बादाम का पाउडर, ये रेडीमेड बादाम का पाउडर आता है, मैंने इसमें 2 टेबल स्पून डाला है। ये इससे गाढ़ा भी होगा, ठीक होगा और फ्लेवर में भी बहुत अच्छा होगा। ये बादाम की खीर सब्जी। तो यहाँ पे मैं सब्जी की तैयारी कर ले रही हूँ, पोटैटो पनीर और मटर की सब्जी है। उसके लिए मैं पहले आपको बड़े बड़े पीसेस में ऑनियन कट कर लेना है, मैंने यहाँ पे चेरी टमाटो लिए हैं, जिंजर गार्लिक लिया है, पनीर लिया है। तो भी पहले इसको ग्राइंड कर देंगे, आप स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, छोटे छोटे पीसेस में ग्राइंड करना है। तो मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक और आधा ऑनियन लिया है, वो अच्छे से आपको ग्राइंड कर देना है और एक छोटा चिली का टुकड़ा लिया है वो भी डालना है और टमाटो डालना है। तो यहाँ पर मैंने ऑनियन डाला है, जिंजर गार्लिक डाला है, चिलीज डाली है और 2 चेरी टमाटो और इसको अच्छे से आप ग्राइंड कर लें। इसमें 4 इंग्रेडिएंट्स है, ऑनियन, टमाटो, चिली, जिंजर गार्लिक, 5 हो गए। 5 इंग्रेडिएंट्स की हमने बारीकी चॉप कर लेना है और ये हमारे ग्रेवी के लिए यूज होगा। तो आपको जितना छोटा बड़ा करना है आप कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे बहुत बारीक ही चॉप करते हैं, वैसा टाइप का मैंने चिली, ऑनियन, टमाटो, जिंजर गार्लिक का यहाँ पे ऐसे स्मूथली बना लिया है, कट कर लिया है। और यहाँ पे हमारी खीर की तरफ आते हैं, तो ये जो साइड में जो लगता है वो आपको हर वक्त ऐसे मिक्स करते रहना है खीर में, तो आपका बहुत थिक होगा और फ्लेवरसम होगा, इसलिए आपको हमेशा स्टर करते रहना है और साइड का जो लगा है वो भी ऐसे निकालते रहना। अभी आपकी खीर बहुत अच्छे से बनी। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल दिया है, उसमें डाले हैं चॉप पनीर के क्यूब्स, इसको अच्छे से आपको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, उसका फ्लेवर आएगा और आपको मीडियम हीट पे ही करना है, नहीं तो पनीर फटाक से जल जाते हैं। तो आपको अच्छे से ब्राउन कर देने हैं पनीर को और उसको हम निकाल लेंगे। इसी तेल में सीड्स डाले हैं, जीरा पाउडर, चिटा डाला है और जो हमने ग्राइंड किया हुआ मसाला था वो हम इसमें डालेंगे और इसको बहुत अच्छे से भूनना है, क्योंकि ये सब कुछ कच्चा है तो उसका कच्चा फ्लेवर जाना चाहिए, इसलिए आपको बहुत अच्छे से भूनते रहना है। और ये स्टेनलेस स्टील का पैन है, इसलिए यहाँ पे हमें लगे कि नीचे लग रहा है तो आप वाटर थोड़ा सा डाल के फिर स्टर कर सकते हैं। आपको जब भी लगे कि नीचे लग रहा है, जल रहा है, तो आप थोड़ा सा पानी डाल के स्टर कर देंगे। और यहाँ पे खीर में मैंने 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर डाली है, मुझे मैंने जो भी दूध लिया था इतना भी उसका आधा हो चुका है बॉईल करते करते, तो इसमें हम चीनी डालेंगे। एज पर योर टेस्ट मैंने 2 टेबल स्पून ऑफ चीनी डाली है, मैंने 2 कप दूध लिया था तो उसके हिसाब से मैंने 2 टेबल स्पून चीनी डाली है। इसको और थोड़ा सा बॉईल करेंगे हम, और सैफरन का फ्लेवर आया है, इलायची का फ्लेवर आया है और बादाम का भी फ्लेवर आया है, बादाम से बहुत ठीक हो गई है हमारी खीर। तो ये रेडी हो गई खीर।
पनीर और मटर की सब्जी है उसमें यहाँ पे मैं कोरिएंडर पाउडर डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून चिली पाउडर डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून गोड़ा मसाला या हमारा काला मसाला या जो टोल किया हुआ मसाला रहता है गरम मसाला वो डाल सकते हैं या गरम मसाला 1 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने जैगरी डाली है, टमाटोज डाले थे 1 टेबल स्पून जैगरी डाली। यहाँ पे क्या क्या डाला, जैगरी डाली है, चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और आपका जो भी घर का बना हुआ काला मसाला या गरम मसाला या गरम मसाला जो रहता है वो 1 टेबल स्पून। और इसको फिर से आपको अच्छे से भूनते रहना है क्योंकि जो भी पाउडर मसाले हैं वो भी अच्छे से भूनने चाहिए और वो जल ना जाए इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट वाटर डाल के आपको फिर से ये अच्छे से भूनना है। ये पाउडर मसाले जल ना जाए इसलिए आपको थोड़ा सा पानी डाल के फिर से इसको अच्छे से भूनना है। फिर डालेंगे ग्रीन पीस, ये फ्रोजन ग्रीन पीस है तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने सबसे एंड में डाला है। जब मसाला अच्छे से भून गया है तब मैंने ग्रीन पीस डाले। फिर हम डालेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे और फिर हमने जो रोस्ट किया था पनीर वो हम डालेंगे। देखो मैंने अच्छे से ये ब्राउन कर लिया था पनीर को, वो ये पनीर है इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे सब मसाले में। तो इसको अच्छे से मसाले में हम भून लेंगे पनीर और ग्रीन पीस को। फिर एंड में डालेंगे हम पोटैटो, ये पोटैटो मैश हो जाएंगे इसलिए मैंने पहले नहीं डाले थे अभी इस स्टेज पे। अब हम डालेंगे पोटैटो, जो भी हमने पाउडर मसाले डाले थे वो अच्छे से भून चुके हैं, पनीर अच्छे से मिक्स हो गया है, ग्रीन पीस मिक्स हो गया है, तो मैंने अब डाला है पोटैटो। और जो भी मसाला था वो नीचे लगना रहे इसलिए मैंने थोड़ा सा वाटर डाल के फिर से हम मिक्स कर देंगे। और जो भी आपको क्वांटिटी चाहिए ग्रेवी की थिकनेस चाहिए इतनी चाहिए उतना पानी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से बॉईल करेंगे और ये रेडी हो जाएगा हमारा पनीर पोटैटो ग्रीन पीस की सब्जी। और फिर मीनवाइल हम पुड़िया बना लेते हैं। पुड़िया मैंने व्हीट फ्लावर की बनाई थी ताकि हमारी सब्जी भी उबल जाएगी। और ये पुड़िया मैंने जस्ट 2 कप व्हीट फ्लावर लिया था, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के पानी डाल के मैंने अच्छे से आटा भून लिया था और उसके मैंने पुड़िया ये बेल के फ्राई कर लिया। अब गोल्डन ब्राउन होने तक आपको पुड़िया तल लेनी है और ये हमारी थाली रेडी हो जाएगी। इसमें खीर, पुड़िया और हमारी सब्जी। आप जरूर ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें।